तो और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे सारे, स्वागत है आप सभी का अपने इस माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज की दुनिया में वापस। और भाई लोग, आप लोग मतलब अभी तो एक मिनट रुको, मैं पहले सामने से दिखाता हूँ। इस वर्ल्ड में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे होंगे, जैसे अपने ये देखो आयरन फार्म वहां पे चले गया और ये अचानक से मॉब फार्म आ गया। ये क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ, बट पहले एक सेकंड मेरे को दो भाई, पहले आर्मर चढ़ा लूँ मैं। और हाँ भाई, अब मैं आपको देता हूँ ये विलेज, ये अपने पूरे सर्वाइवल वर्ल्ड का पहले एक छोटा सा टूर, उसके बाद मैं बताता हूँ इस वर्ल्ड में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जस्ट अ सेकंड भाई। हाँ चलो, ये नॉर्मल है। देखो सबसे पहले आ जाते हैं पर अपनी विलेज पे। ये अपनी छोटी सी हैंडमेड विलेज है, मतलब खुद नहीं बनाई है मैंने। ये फार्मर का घर हो गया, ये फ्लेचर का घर, लाइब्रेरियन, और ये आर्मर स्मिथ, और ये नहीं टूल स्मिथ, ये आर्मर स्मिथ है। और ये अपना एक छोटा सा आयरन फार्म है, जो कि भाई छोटा होने के बाद भी बहुत सारा आयरन देता है। ये देखो अभी भी चल ही रहा है, देखो इतना सारा आयरन पड़ा है। पता नहीं क्यों यार, ये मैं जब से उस साइड से इधर लेके आया हूँ ना, ये थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि लाइक ये देखो नीचे भी बहुत सारे गोलम है। इसीलिए फिलहाल मैं, एक मिनट, ये देख रहे हो मेरे पास पूरा इंचेंटेड स्टफ है। ये भी पूरा प्रोटेक्शन 3 से इंचेंटेड है, और ये भी मैं पूरा बताने वाला हूँ कैसे। और भाई फिलहाल मेरे पास एक और सरप्राइज पड़ा है, बट उसे बाद में देखेंगे। ये अपना एक छोटा सा ब्रिज है, जो कि अपने इस पूल के ऊपर से जाता है। ये देख रहे हो, ये पूल भी मैंने खुद ने बनाया है। ये मेरा खुद का भाई कासल है छोटा सा। चलो भाई, मैंने अपने सारी चेस्ट में सामान तो रख दिया, एक मिनट पहले फूल लगा दूं। और भाई आज अपन को कुछ भी करके चलना है नेदर। और कुछ भी करके क्या, देखो भाई मेरे पास पोर्टल भी बना हुआ है पहले से। और ये एक मिनट कहाँ गया भाई, ये मेरे पास हो गया एक आयरन, ठीक है। और फ्लिंट किस में, इसमें था ना, ये हो गया फ्लिंट। और अब भाई क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, ये बन गया अपना फ्लिंट एंड स्टील, ठीक है। ये मैं लाइट कर देता हूँ पोर्टल को भी, और फिर फ्लिंट एंड स्टील को अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आने वक्त के लिए भी पोर्टल लगेगा। फिलहाल अभी मैं जल्दी से हील कर लेता हूँ। भाई लोग ये देखो, मैं दिखाता हूँ अभी बैरल में। भाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना सरप्राइज, ये वो है पूरा अपना फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर, जो कि मैंने इतने दिनों बैठ के भाई बनाया है पूरा। तो भाई लोग अब चल रहे हैं अपन सीधा भाई नैदर में। अरे यार इन्वेंट्री खुल गई, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए भाई सीधा नैदर में बोल के जाऊंगा, और उधर मेरी इन्वेंट्री खुल गई। तो भाई ये देखो, ये अपना नैदर। अरे यार डोंट टेल मी, है बेसोल्ट के पास है यार। अच्छा चलो, इस साइड वेस्टलैंड भी है ना, नैदर वेस्ट सॉरी। इसको मैं 15 डिस्टेंस पे रख देता हूँ, थोड़ा FPS लैग होंगे, बाकी 15 बहुत हो जाएगा यार, लैग करने लगेंगे। ये भाई वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ उस पर। चलो ये हो गया, नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू गो। पहले मैं ये पानी फेंक दूँ इधर के लिए, भाई लावा लगता है। फिलहाल भाई गोल्ड मिल गया आते ही, मैं गोल्ड का क्या सामान नहीं लाया ना, तो मेरे को ये गोल्ड चाहिए रहेगा। और अपनी पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 भी है शायद, फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3, तो भाई गोल्ड ज़्यादा भी मिलेगा। चलो भाई मैं पानी पी के तो आ गया यार, गला ख़राब हो रहा है मेरा। फिलहाल अभी अपन चलते हैं भाई नेदर एक्सप्लोर करने। भाई पहली बार आए नेदर में, थोड़ा खतरनाक से एक्सप्लोर तो करेंगे। गोल्ड मिल रहा है भाई, गोल्ड तो साथ में उठाते जाऊंगा, इसको ना छोड़ रहा मैं। देख रहे हो मेरे पास लाइक ऑलमोस्ट 1 स्टैक नगेट हो गए होंगे भाई। इल्लो भाई 5 स्टैक नगेट भाई। चलो ये अपन की कौन सी बायोम है, मेरे को लगा भाई वो आ गई रेड वाली, क्रिमजन बायोम। इधर तो कुछ नहीं है, आ इधर से भी कुछ नहीं है। एक मिनट में मैं पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स मार्क करना भूल गया। चलो भाई मैंने पोर्टल के भी कोऑर्डिनेट्स तो अब लिख लिए हैं, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं। चलो भाई मैं आ चुका हूँ इधर, और मेरे को और गोल्ड दिख गया भाई। इसके जस्ट नीचे मैग्मा था, वो इतनी तेज में टूटा, अगर लावा में जाता सीधा तो दिक्कत हो जाती। अरे हाँ भाई, अपन को गोल्ड फार्म बनाना है तो मैग्मा बहुत लगेगा, थोड़ा मैग्मा भी लेके चलते हैं। तो भाई लोग वो मैग्मा तो मैंने अभी माइन कर लिया, बट भाई एक दिक्कत हो चुकी है, मैं क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया, जिसकी वजह से मेरे को ये गोल्ड को भाई अब मैं नगेट को ही नगेट में रख सकता हूँ, मतलब इनगट नहीं बना सकता बेसिकली। और भाई जब तक मैं इनगट नहीं बनाऊंगा तब तक मेरी स्टोरेज बहुत घेरेगा यार। ये 64 देख रहे हो गोल्ड इंगट, वैसे ही होगा अपने पास ऑलमोस्ट। अभी आया भी थोड़ी देर हुए नेदर में, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ ब्रो। ब्रो नो वे, नो वे ब्रो, लाइक अपन को भाई नेदर में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ऑलरेडी एक बेस्टियन मिल गया। Those were the days, lol man. But मेरे को पहले भाई एक वो बायोम चाहिए।
भाई मुझे 2 मिनट दो, मैं पहले घर से जल्दी से जाके क्राफ्टिंग टेबल ले आ रहा हूँ, और एक शील्ड भी मैं लाना भूल गया, तो वो भी मैं पूरा सामान एक बार वापस जाके ले आता हूँ, फिर मैं वापस यहीं मिलता हूँ। तो भाई लोग अभी तो मैं आ चुका हूँ वापस घर से, और भाई शील्ड भी ले आया और मैं मैग्मा रखे आया, और भाई ये देख रहे हो एक स्टैक गोल्ड हो गया, ये रखना भूल गया, जो कि भाई एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि यहाँ पे वो ब्रूट मारेंगे। फिलहाल तो दिख रहे नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ शांति से अपन कोने कोने से चलते अंदर। ओ भाई चेस्ट देख लूं आसपास कोई पिगलिन तो नहीं है। लो भाई नो वे ब्रो, एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। ये बोन ब्लॉक उठा लेता हूँ, ये काम में आएंगे। स्ट्रिंग्स की जरूरत नहीं है, आयरन नगेट की जरूरत नहीं है ब्रो, हिडन इन द डेप्थ्स। भाई तू मेरे पे ट्रिगर्ड है क्या? हाँ यार ये ट्रिगर्ड है मेरे पे। कहाँ गया भाई? यही तो था, मेरे पे ही ट्रिगर्ड था भाई, ये मैं बता रहा हूँ ना। ओबे ओए ले भाई, क्या कर लोगे भी तुम मेरा? और ओए ओए ओए, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। भाई साहब ये ब्रूट ना देखा था मैंने, ये कहाँ से आ गए? क्या ही कर लोगे भी तुम? बोलो एक गया लावा में, तू आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। वो तेरा दूसरा साथी भी लावा में जल रहा है, तेरे को और जला देता हूँ फिर, तेरे को तो तीर से ही चटका दूंगा। भाई डरते हैं क्या इनसे? फिलहाल भाई एक और एंशिएंट डेब्री। सोल स्पीड 3 के जूते नहीं चाहिए, क्राइंग ऑबी नहीं चाहिए भाई। मैग्मा क्रीम उठा लेता हूँ, पोशन के काम आएगी। और भाई ये नेदर वॉल्ट भी, थोड़े और पोशन बनेंगे। और फिलहाल मैं ये लाया था ना शवल। ओ भाई देख रहे हो, अभी मैं इनके ऊपर खड़े होकर माइन करता और चटक जाता। ट्रैप तो भाई ये लोग बेस्टियन में बहुत लगाते हैं, बट आई एम पिरो। अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं और जरा देखते हैं थोड़ा और अगर अपन को चेस्ट मिले यहाँ पे। तो ये रही भाई एक और चेस्ट, एक और एंशिएंट डेब्री। भाई लगातार 3 चेस्ट 3 एंशिएंट डेब्री, नो वे यार। फिलहाल ये चेन्स मेरे को चाहिए, एरो की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास वो लगी हुई है इन्फिनिटी। हेलो सर जी, मैं मारने नहीं आया हूँ आपको। ओ भाई एक एंशिएंट डेब्री, एक एंशिएंट डेब्री का भाई वो स्क्रैप। ब्रो मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक लक चल रहा है अपना यार यहाँ पे। ये क्या अनब्रेकिंग 3 नहीं चाहिए? हाँ खैर चाहिए, मेरी तलवार में लगा लूंगा मैं, आयरन वाली में, क्योंकि भाई हर वक्त ये थोड़ा ना लेके घूमूंगा ये डायमंड के। और भाई ये भी उठा लेता हूँ मैं, ये भी काम का है। एंड देन यहाँ पे मेरे को एक और चेस्ट दिखी। भाई लोग खाने का भी काम हो गया, ये भी उठा लेते हैं, क्रॉसबो भी उठा लेते हैं, बस भाई इन्वेंट्री भर गई। लो भाई 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 भाई, भाई मर जा, मारना मत मारना मत मारना मत मारना मत, हट, आने ही नहीं दूंगा, पास ही नहीं आने दूंगा। ओ भाई मैं लाइक वो चेस्ट में से भाई ये देख रहे हो अदर साइड उठा के आया, इधर एक पिगलिन को मारा, अचानक से ब्रूट आ गया। खैर कोई ना भाई, इधर रिसोर्स में बता रहा हूँ भाई, बहुत रिसोर्स मिल रहे हैं। ओ भाई इसकी भैंस की टांग, इसको ना छोड़ूंगा मैं। अरे बंदे देख रहे हो इतनी ऊपर से मेरे को नीचे धक्का दिया यार, लाइक मैंने उसके भाई एक उसको मारा क्रॉसबो वाले को, उसने तो भाई इतनी ऊपर से धक्का दे दिया। अगर मैं अभी मर जाता तो मैं भाई इसको कहीं का नहीं छोड़ता। फिलहाल गया कहाँ ये? भाग गया साला। खैर कोई ना, अपन कंटिन्यू रखते हैं भाई काम अपना, और तो नहीं है ना, बस बहुत है भाई। ये उठाओ जल्दी जल्दी, जितना भी माल पड़ा है सब भरो जेब में, इससे पहले कि और आ भाई। सोल स्पीड 3 में लगा लूंगा जूतों में, और चेन चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी। ये अरे यार एरो नहीं चाहिए, एरो रखो तुम। एरो मेरे को सिर्फ भाई 1-2 जो कि मेरा एरो था ओरिजिनली। फिलहाल भाई मैं, मेरे पास चलो इन्वेंट्री में तो जगह है, तो एक और शवल भर भी लेता हूँ। 8 ऑब्सीडियन है भाई, 2 और मिल जाते तो यार मैं बाहर निकल जाता है यहीं से। खैर कोई ना भाई, ये देख रहे हो नीचे कौन है ये? अरे ये सस्ता वाला है भाई। तो भाई लोग वो जगह तो मेरे को बेस्टियन में नहीं मिली भाई, मैं बहुत देर से घूम रहा था वो बेस्टियन पूरा, पर वो जगह नहीं मिली। तब मैं भाई वापस घर जा रहा हूँ। मैंने सोचा था भाई कि आज लाइक फोर्ट्रेस ढूंढ लेंगे, ब्लेजेस मार लेंगे, पर भाई अब बेस्टियन मिल गया तो अब फोर्ट्रेस का क्या ही काम। फिलहाल मैं ये मैग्मा और चटका दूँ। गुड मॉर्निंग भाई लोग, नई सुबह हो चुकी है। और भाई ये ज़ॉम्बी कहाँ जा रहे हैं साले? कहाँ जा रहे हो तुम? सिर्फ एक्सपी दो, ये कूड़ा अपने पास ही रखो। अरे इंजेंट करने में मेरी एक्सपी खत्म हो गई थी, वापस 15 हुई है। खैर अब तो नेदर का भाई अपने पास वे ओपन है, तो अपन कोड से वो भी कर सकते हैं, एक्सपी भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरे को क्या गोल्ड रखना था ना, इसमें है गोल्ड। अरे क्या बोलते हो एक बार गोलम से फाइट लेके देखते हैं भाई।
इतने ओपी आर्मर में मैं इसको मार पा रहा हूँ या नहीं। भाई कुछ नहीं कर पा रहा गोलम मेरा, सिर्फ 1.5 हार्ट लेके गया अभी। अबे ओए भाई 2 हार्ट लेके गया गोलम सिर्फ। लो भाई इतना ओपी। ये देखो भाई 9 स्टैक बिल्कुल, मैग्मा के ब्लॉक भी अपने पास हो चुके हैं, यानी कि अपन गोल्ड फार्म भी बना सकते हैं, जो कि अपन बनाएंगे अभी अगले एपिसोड में। फिलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ भाई और क्या किया। अरे 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 रेड बुलाते हैं, रेड बुलाते हैं। चलो हमारे घर के आसपास कोई वो तो है नहीं, विलेजर आउटपोस्ट जो ये हर वक्त आते हैं। फिलहाल भाई सारे विलेजर घर में भाग जाना फुर्ती में। लो भाई हीरो ऑफ द विलेज मिल गया, नाइस, बहुत अच्छी बात हो गई है। देखते हैं इसका भी कुछ। फिलहाल मैं ये एमराल्ड रख दूं, भाई मेरे पे 28 एमराल्ड हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई मेंडिंग थोड़ी ही देखते हैं, पहले तो मेरे को सोल स्पीड लगानी है। ठीक है ऊपर चलते हैं। चलो भाई नई सुबह हो गई है और मैं आ चुका हूँ अपने एन्चेंटिंग सेटअप पे। खिड़की भी बंद है। कहाँ गया ये? अरे एक मिनट में पहले जूता उतारूँ ये, फिर सोल स्पीड 3। लो भाई अपने जूते पे सोल स्पीड भी है, अपन वो सोल सैंड और सोल सॉइल पे बहुत तेज भागेंगे। और हाँ एक और चीज़, फिलहाल अभी अपन जल्दी से चलते हैं किसी एक लाइब्रेरियन को पकड़ते हैं। और भाई मेरे पास ये है ना, मेरे को इसमें से लकड़ियाँ चाहिए रहेगी सारी। एक लाइब्रेरियन और एक फ्लेचर को पकड़ते हैं और एमराल्ड जितने भी हो सकते हैं अपन सब निकलवाते हैं। भाई मेंडिंग चाहिए आज तो। भाई लोग ये विलेजर तो मैंने एक पकड़ लिया है, अभी मैं जल्दी से इसका जॉब ब्लॉक तोड़ते ही। अरे हट जा भाई साइड में, तेरा एक और जॉब ब्लॉक लगा दूँ उससे ले लेना लाइब्रेरियन यार, इसको अलग अलग जगह से लेना है। आ जा अब इस वाले से लिया ले भाई, ये अलग विलेजर है भाई, फ्लेम दे रहा है। एक ये ले लेता हूँ मेरे को। अबे ये अच्छा, हाँ पहले एक बुकशेल्फ लेना पड़ेगा। अब ये देखो मैं बुकशेल्फ रखा, इसको मैंने थोड़ा, मेरे पास आ गई बुक। अब वो फ्लेम कहाँ दे रहा था? ओ भाई ये ऑलरेडी मेंडिंग दे रहा है 16 में। ला भाई वो कहाँ गया फ्लेम वाला? पहले मैं फ्लेम ले लेता हूँ। कितनी आई भाई फ्लेम? 2 आ गई क्या? अरे यार लो 3 आ गई वे, 3 आ गई। छी सारे एमराल्ड खत्म। अभी मैं बोल रहा हूँ भाई इनको मैं यहीं ट्रैप कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये मेंडिंग भी दे रहा है ना। और अब चलते हैं अपन एक फ्लेचर के पास। अभी फिलहाल जितना इन लोगों ने मेरे को पहले सामान दिया है वो सब हटा के पहले एक बार मेंडिंग ले आते हैं भाई। बेचारे मेंडिंग वाले लाइब्रेरियन को तो मैंने वहीं बंद कर दिया। आजा भाई लाइब्रेरियन भाई, तू है ना मेंडिंग वाला? नहीं तू फ्लेम वाला है, तूने वैसे ही बहुत नुकसान करा दिया भाई। ये हो गया अपने पास मेंडिंग, बट अपने पास वो नहीं है ना। एक बुक शेल्फ दे बस मेरे को, इसको उठाऊंगा यहाँ से तोड़ूंगा। और भाई तू आ जा, मेरे को बहुत सारी मेंडिंग चाहिए ब्रो। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 मेंडिंग हुई है बस अभी तक। भाई इंचेंटमेंट कॉस्ट 2 ले रहा है बस, सब में लगा देता हूँ ना। इसमें भी मेंडिंग, इसमें भी मेंडिंग, इसमें भी मेंडिंग। लो भाई सब में लगा दी मैंने मेंडिंग। ओ भाई फाइनली पूरा आर्मर रेडी है मेंडिंग के साथ। भाई देख रहे हो इतने से दिनों में भाई मैंने एक तो डायमंड का आर्मर तो ऑफ स्क्रीन बना लिया, पर भाई मेंडिंग भी मिल गई। लो भाई फिलहाल अभी जल्दी से नेदर चलते हैं। मेरे को भाई वो क्या बोलते हैं क्वार्ट्ज माइन करके पूरी इनकी हेल्थ पूरी रिपेयर कर देता हूँ। तो भाई लोग यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो में बहुत मजा आया होगा। क्योंकि लाइक भाई देखो अपन इधर भाई बेस्टियन भी घूमे और अपन को वो भी मिल गई भाई मेंडिंग, जो कि बहुत रेयरिटी से मिलती है भाई मेंडिंग, और अपन को ऐसे ही मिल गई। तो भाई होप करता हूँ आपको वाली वीडियो में मजा तो बहुत आया होगा, और मजा आया तो प्लीज इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, तो उनको भी देखना मत भूलना। मिलते हैं भाई अगली ऐसी कोई अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, पीस आउट, जय श्री राम।